पहली बॉल छह रन, खूबसूरत स्ट्रोक, छह चार चार रन, पहली गेंद पे छक्का जा दिया के पास है, राइट आर्म राउंड बॉल के बाजी कर रहे हैं, और एक बार फिर से छह रन, किसी के पास कोई मौका नहीं छह रनों के लिए, राउंड द विकेट की दादी की जा रही है, फिर मतवा घूम कर खेला है, जोड़ कर खेला है, शहनवाज के बल्ले से रन निकल रहा है और इसी छह के साथ इसको रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी है सुल्तानपुर की, और फिर मतवा इंसान बैक टू बैक सिक्स बाई शहनवाज, स्कोर जो पहुंचा है बिल्कुल भी नहीं है 75 चौरानवे शहनवाज, लेकिन इस मतवा कॉपर के सहारे के चार रन और हैट्रिक नहीं हुई लेकिन फिर भी स्कोर 40 और इस मतबा शहनवाज झूठ रन और बहुत ही लंबा स्कोर जो पहुंचा है 50 रन, दूसरा सारे लोग ज्वाइन हो जाओ आज सुल्तानपुर का मैच है, फिर से टाइट किया बड़ा खूबसूरती के साथ बाउंड्री के बाहर जा रही है चार रनों के लिए, इसको एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के सामने एक राइट हैंड लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, ये बल्लेबाज को तोहफा दिया जनाब, कबूल कीजिए चार नहीं छह नहीं दस दीजिए, इतना लंबा और इतना खूबसूरत स्ट्रोक लगाया है, ऐसे आम से भी गुजर रहे हैं, क्या चाहिए अच्छी खबर, फिर से चलना है, नजाकत है और सब कुछ है इस बल्लेबाज के पास, वाह क्या चाहिए, तीसरा ओवर लेकर निकले लेकिन क्या खूब जमकर खबर ली है, ये अच्छी स्लोवर करने का प्रयास था, उंगलियों को फिराया ऑफ कर दिया, गेंद थी गेंद जा रही है, भाग्यशाली रहे चार ये सीमा रेखा के बाहर चार रन, ये बल्ले बल्लेबाज हम देख रहे चल रही है, प्रति गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार और द विकेट बैकरी इन से चल रही है, बखरा बैकरी इनकी तरफ से ये जाएगी फिर चार रनों के लिए, बिल्कुल ऐसी बल्ले में अभी तक नाकामयाब रहे हैं, एक बार फिर इसी बीच अगली गेंद की है और घुटनों के बल बैठ कर युवराज सिंह की तरह कोशिश तो किया था लेकिन गेंद की जो लंबा का ये मुकाबला और इस बीच लॉफ किया है कवर एक्स्ट्रा तौर के ऊपर में नीचे फील्डर मौजूद लेकिन एक और जिंदगी मिलती हुई यहाँ पर शहनवाज को ओवर थ्रो भी टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम आजमगढ़ अफजल 11 इस बीच एक और लंबा है नीचे फील्डर जरूर है और वहां पर उनके सर से होती हुई गेंद सीधा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए इस बड़े टूर्नामेंट के लिहाज से फील्डिंग काफी खराब है कैचिंग खराब दिखाई है यहां पे टीम सुल्तानपुर कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है ये भी कैच हो सकते थे दो तीन कैच ड्रॉप किए गए यहाँ तो हाफ चांस को फुल चांस में कवर करना होगा तब काम बनेगा और अगर फुल चांस को हाफ कर देंगे तो टीम बहुत दूर हो जाएगी यासिर अरफात जरा समय लेते मेहरबानी होगी बिल्कुल नहीं है एक और अवसर लेकिन वापस जाना होगा अब वापस जाना होगा बल्लेबाज शहनवाज को कौन सा बल्लेबाज आता